हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को आइसोटोप्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स। देखिए, हम लोगों को किसी एलिमेंट में, मान लीजिए एक कोई एलिमेंट है, एलिमेंट में आप जानते हैं एलिमेंट में एटम होते हैं। ठीक है, ये एटम्स हैं। तो ये एटम्स में हम लोग जानते हैं एटम का अपना एटम में मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। अब इसमें बहुत से ऐसे एटम्स आपको दिखाई देंगे, किसी एक ही एलिमेंट में बहुत से ऐसे एटम दिखाई देंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे एटम्स को हम लोग नाम देते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स को आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। आइसोटोप्स मतलब द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिए, नंबर वन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटियम। ठीक है, ये वन है प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, वन एच वन, यानी इसका एटॉमिक नंबर भी वन है और मास नंबर भी वन है। और दूसरा होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को ऐसे दिखाते हैं, वन एच टू या डी लिखते हैं, उनको डी लिखते हैं। ठीक है, ये डी है वो मत समझ लेना। ठीक है, ड्यूटेरियम भी लिखते हैं। और तीसरा होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम, ट्राइटियम अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग वन एच थ्री लिखते हैं या इसको हम लोग टी लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। देखिए, नीचे वाला जो नंबर लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है, इसका इसका और इसका एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन आप मास नंबर देखिए तो वन टू थ्री, ये मास नंबर सेम नहीं, मास नंबर डिफरेंट है, इसीलिए ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहे जाएंगे। ठीक है,
इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं और क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स हैं। तो आप आइसोटोप्स ऑफ कार्बन लिख लेंगे और आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन लिख लेंगे। नंबर टू, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के आइसोटोप्स में नंबर वन होता है C6H12 और नंबर टू होता है C6H14 दिया गया। ये दो आइसोटोप्स हैं। इसी तरीके से आप लिखेंगे आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन इनके भी दो आइसोटोप्स दिए गए हैं। ठीक है, इनके दो आइसोटोप्स हैं। नंबर वन आपके यहाँ दिया गया है Cl 17 और 35, और दूसरा आपके यहाँ है Cl 17 और 37। ये दो आइसोटोप्स इसके भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि बहुत से एलिमेंट होते हैं जिनमें मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर इसलिए होती है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, और जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है, और दोनों का देखिए मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर जब डिफरेंट होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग ये देखें कि क्लोरीन में हम देखेंगे, क्लोरीन में ये इस आइसोटोप और इस आइसोटोप, यानी वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 35 है, एक वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 37 है, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। तो हम उसका एटॉमिक मास क्या बताएंगे? तो जहाँ पर आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ता है, और एवरेज एटॉमिक मास लेने के लिए हम लोग सैंपल जो हमको मिलेगा उसमें मास नंबर लिखा रहे, मास नंबर दिया जाएगा, और साथ साथ सैंपल में उसका कितना परसेंट वो आइसोटोप प्रेजेंट है, परसेंटेज अबंडेंस उसको कहते हैं। तो परसेंटेज अबंडेंस बताया जाता है। तो परसेंटेज अबंडेंस, जैसे इसका परसेंटेज अबंडेंस होता है, क्लोरीन का परसेंटेज अबंडेंस 75% होता है, और ये जिसका परसेंटेज अबंडेंस 25% होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका होता है यहाँ पर क्लोरीन का ले रहे हैं तो क्लोरीन का लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 35 इंटू इसका जितना परसेंटेज है वो अपॉन 100 कर दीजिए, प्लस दूसरे वाले का ऐसे कर दीजिए 37 इंटू 25 अपॉन 100 कर दीजिए, और इसको सॉल्व करेंगे जब तो आपका 35.5 U आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स
जिनमें आइसोटोप्स नहीं होते तो उनका हम लोग एवरेज एटॉमिक मास नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो जितने नेचुरली अकरिंग एटम्स होते हैं एलिमेंट के, सबका हम लोग आइसोटोप्स, सब में आइसोटोप्स लगभग दिखाई ही देते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग, उनका हम लोग एवरेज एटॉमिक मास ही लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जानते रहिए, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब होता है कि देखिए न्यूक्लियस में जो एटम पाए, जो पार्टिकल या जो सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इनको न्यूक्लियन कहते हैं। अब देखिए दूसरा चीज़ यहाँ पर है, जो आइसोटोप्स आप डिस्कवर कर रहे हैं उन आइसोटोप्स का की प्रॉपर्टी क्या है, आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स का यूज एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब इनका एप्लीकेशन आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप यही करना, इसमें आइसोटोप्स की डिफिनेशन लिखना है, ठीक है। यानी आपका जो होमवर्क है उस होमवर्क में देखेंगे तो आप, आपको होमवर्क वैसे भी व्हाट्सएप पर हम भेज दे रहे हैं, ठीक है। वो आप लिखिएगा, वीडियो में आप देख ही लिए हैं।